अमीर जादी को तुमने अपने लिए चुना है उसे अपनाने के बाद तुम्हारा हमारे से कोई रिश्ता नहीं रहा। नज़िम ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की छठी एपिसोड यकीनन आपने देख ली होगी। सातवीं के प्रोमो के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन जो है ना लेटेस्ट एपिसोड के बारे में कर लेते हैं। आने वाले एपिसोड में नाज़िम इस ड्रामे के पूरे चस्के और मजे आने वाले, ये मेरी आपको गारंटी है। ये ड्रामा फर्स्ट एपिसोड से ही मुझे पसंद है, मैंने आपको इसको रिकमेंडेशन भी की हुई है कि अगर आप मंडे और ट्यूसडे को अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं तो ये ड्रामा आप शुरू कर ले। ये ड्रामा देखने के काबिल है हर कोई, आप फीमेल भी देख सकती हैं, मेल्स भी देख सकते हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब के लिए ये ड्रामा है। इस वजह से मैंने इसको फुल फैमिली पैकेज दिया है। इस ड्रामे की स्पेशल रिकमेंडेशन, आप इसको देखें, आप बोर नहीं होंगे। नाज़िम मुझे समझ में नहीं आ रही कि फाइनली आपने देखा कि वो मोमेंट बहुत जल्द आ गए इस ड्रामे में, क्योंकि ड्रामा थोड़ा सा फीका हो रहा था। इन्होंने चुक दिया ड्रामे को, चुक कैसे दिया कि आपने आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि दिल साहब की एंट्री जो है ना घर में करवा दी गई है, और दिल साहब घर पे आके शर्जीना को, जो बिल्कुल गैर मुनासिब है, अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल बदतजीबी उसने की है आके कि शर्जीना के मुंह लग रहा आगे, भाई तुम्हारा उस वास्ता ही कोई नहीं, तुमने उस लड़की बच्ची की जिंदगी खराब करने की कोशिश की, वो तो मुस्तफ़ा का अल्लाह भला करे जिसने छोटे भाई ने तुम्हारे ने उसके साथ शादी कर ली, तुम उसको आके ताने मार रहे हो कि कहाँ दिल और कहाँ मुस्तफ़ा। अदील ये तो तुम्हें आगे बेटे पता चलेगा जो तुम्हारे साथ होने वाली है ना। अगर तो ऑडियंस ने ये ड्रामा शुरू कर लिया और मेरा रिव्यू देख रहे हैं, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐसे करेक्टर्स जो रियलिटी में भी होते हैं वो उनके साथ होता क्या है। दिल तुम्हारे साथ वो होगी, तुमने ना घर का रहना ना तुमने घाट का रहना है, तुम उसके साथ आके लड़ाइयाँ कर रहे हो। लेकिन गुड न्यूज नाज़रीन ये है कि ये जो मुस्तफ़ा का करेक्टर दिखाया गया ना, फहद मुस्तफ़ा का, ये मेरा ख्याल किसी ना किसी डक्की भाई जैसे बंदे से इंस्पायर होकर ना मेकर्स ने ये करेक्टर डाल दिया, क्योंकि आजकल ट्रेंड में तो यही चीज़ें जा रही हैं। फलाना ब्लॉगर इतने पैसे कमा रहा है, फलाना टिकटॉकर इतने पैसे कमा रहा है, फलाने ने ऐप बना के ढेरों लाखों करोड़ों रुपये, सच भी है। इस वजह से इंस्पायर होकर या मुस्तफ़ा जैसा करेक्टर बनाया गया, जो कि आपने सातवीं के एपिसोड में देख लिया कि उसने एक गेम बना के 3 लाख रुपये भी कमा लिए। ये होती है सोशल मीडिया की पावर। 20-25 दिन में तुमने गेम भी बना लिया, उसके 3 लाख रुपये भी ले लिया, लेकिन उसको करियर नहीं बनाया। लाखों रुपए जो ना चुटकियों में कमाई जाती है, ये तो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। अब आने वाले जो दौर में आने वाले एपिसोड्स में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दिल का फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क है, क्योंकि इसने अपनी बीवी के हाथों जलील होना है, क्योंकि उसने शॉर्टकट इस्तेमाल किया है। और मुस्तफ़ा ने स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वो ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन जब इसकी गुड्डी चढ़नी है ना, इसने भी तबाहियाँ उतार देनी है। देखिएगा ये, क्योंकि इसकी फील्ड ऐसी आईटी की दिखाई गई ना, आजकल जमाना ही सोशल मीडिया का। अगर आपने अपने आप को डिजिटली नहीं किया, आपने बच्चों को डिजिटली एजुकेशन नहीं सिखाई, आप डिजिटल नहीं हुए, आपके बच्चे डिजिटली अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, तो आने वाले दौर में आप जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। ये मैं आपको भी बात बता देता हूँ। अब शर्जीना जो है ना, शर्जीना का और मुस्तफ़ा का एट द मोमेंट जो कपल दिखाया गया, वो दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है। शर्जीना पढ़ी लिखी है, डिसेंट है, मेहनती है, और बहुत सुलझी हुई लड़की दिखाई गई है। फहद मुस्तफ़ा कम पढ़ा लिखा दिखाया गया, मुस्तफ़ा डिसेंट तो उसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, संजीदगी के साथ उसका कोई ताल्लुक कोई नहीं है, और बिल्कुल नॉन सीरियस सा लड़का दिखाया गया, जो बिल्कुल गंदा मंदा सा रहता है, जहाँ पे बैठता वहीं पर सो जाता, कपड़े उसके बिखरे हुए हैं, बाथरूम उसका गंदा है, सब कुछ। लेकिन आने वाली एपिसोड में इन दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि जब जिंदगी की अगर आपको शुरू शुरू में बिगनिंग में थोड़ी सी उतराव चढ़ाव आते हैं ना, एक दफ़ा आपकी गाड़ी ट्रैक पे आने की देर होती है, फिर ये ऐसे कपल होते हैं जो तबाहियाँ उतार देते हैं, फिर ये कामयाबी की ना हर हदें पार कर जाते हैं। ये शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ ऐसा ही होगा। अब उसकी माँ फिलहाल मुस्तफ़ा की उसके लिए वबाले जान बनी हुई है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि उसको तुम्हारे बेटे ने भी उसके साथ दगा किया शर्जीना के साथ, तुम उसके साथ वखरा उसको जलील करने लगी हुई हो। वो तो थैंक गॉड कि उसका दोस्त जो इफ्तखार है, मुस्तफ़ा का बाप है, वो थोड़ा सा बंदा सिंसियर है, उसने उसको पैसे भी दिए 15,000, बाहर जाके खाना खिला लाओ। वो खाना खिलाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे मनहूस ये कमबख्त अदील बैठा होता है। अच्छा, वहाँ से देखे तितर बितर हो जाता, भाई तुम्हें पैसे का इतना नशा चढ़ गया कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें हाथ हिला रहा, तुमने उसके हाथ का जवाब तक नहीं दिया, तुम्हारे में इतने गट्स हैं, तो बैठो, तुमने चोरी थोड़ी ना की, तुमने भी तो शादी की है, उसने भी तुम्हारी मंगेतर से शादी किया, वो धड़ल्ले से बैठा हुआ, क्योंकि उसका दिल साफ है। बेशक वो तुमसे अभी स्टेटस में लो है, लेकिन उसका दिल साफ है, वो फिर भी तुम्हें मिलने के लिए आया, लेकिन तुम उधर से निकल गए हो, तितर बितर हो गए हो। अब ये जो तुम चाम चिड़क सी तुमने जो साथ बिठाई हुई है, ये तुमसे बातें भी कर रही है, लेकिन तुम इसको नज़रअंदाज कर रही है।
अदील साहब इतने मगरूरे हो गए हैं कि ऑफिस में बैठे, आप देखो जी उसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तुम्हारे कुलीग है, तुम्हारे दोस्त हैं, वो तो तुम्हें बॉस तस्लीम करने में थोड़ी सी देर तो लगाएंगे, ये बंदा तुम्हें मिलने के लिए आया, तुमने इसको बेइज्जत करके बाहर भेज दिया, क्योंकि तुम अब सीईओ साहब बन गए हो ना। लेकिन बेटे अदील, फिर तीसरी चौथी दफा मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, इतना फास्ट ना चलो, गिरो तो तुमसे संभला भी ना जाए, ये मैंने तुम्हें नसीहत कर दी है। नाज़रीन, शॉर्ट करें, आने वाली एपिसोड्स इसकी धुआंधार होने वाली है, क्योंकि अदील को बहुत जल्द इन्होंने कनेक्टिंग कर दिया उसके साथ, अपने घर के साथ दोबारा इसको कनेक्ट कर दिया, तो मेरा ख्याल ये चीज़ जो है ना दोबारा इसमें थोड़ा सा ना बूस्ट लेके आएगी इस ड्रामे में। अगर आप ये ड्रामा देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, मुझे आपकी हमेशा जो है ना इंतज़ार रहता है आपकी राय का, कि आप लोग मेरे से बातें करें। अब तो मैंने आपके कमेंट्स को जवाब भी देना शुरू, अच्छा कमेंट हमेशा मैं जो ना अपनी वीडियो में मैंने शामिल करना शुरू कर दिया उसके नाम के साथ। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है नाज़रीन, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। आपको अदील का करेक्टर अच्छा लग रहा है या मुस्तफ़ा का करेक्टर अच्छा लग रहा है, ये तो आप लाजमी बताएं। वैसे फाज मुस्तफ़ा इतनी अच्छी एक्टिंग करेगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हानिया अमर मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती, सॉरी टू से, पसंद अपनी अपनी होती है, लेकिन इस ड्रामे में बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है बेचारी, बहुत चेक एंड बैलेंस करके अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को भी दुख नहीं देना चाहती और अपने ससुराल में भी अपना नाम पैदा करना चाहती है, बहुत चेक एंड बैलेंस करके जो है ना समझदारी के साथ इस रिश्ते को चला रही है। नाज़रीन, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। मिलते हैं अगली एपिसोड में, अल्लाह हाफ़िज़।